लाइफ इन अ सबमरीन, ऐसा होता है सबमरीन में सैनिकों का जीवन। दोस्तों, सूरज की रोशनी और एक अच्छी नींद की आंख के जीवन में क्या कीमत है? शायद ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन एक सबमरीन पर ऐसा मुमकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनसुनी कहानियों के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सबमरीन में जीवन की, सबमरीन में रहने वाले लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों की, वो कहानियां जो अनसुनी रह जाती हैं, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक सबमरीन जो कि हर समय पानी में रहती है, उसमें रहने वाले सैनिकों को खाने से लेकर सोने तक अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, एक सबमरीन को समुद्र के अंदर गहराई में दुश्मन देशों की अनेक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है। सबमरीन का काम होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उस देश की सीमा में आती किसी भी तरह के जहाज या सबमरीन के बारे में हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचा दे। उसी के साथ ही सबमरीन का काम ये भी होता है कि वे दुश्मन देशों के जगहों या सबमरीन को खत्म कर दे। सबमरीन का आविष्कार कॉर्नेलियस डेरिबेल ने 1620 में किया था। पहली सबमरीन को हॉलैंड में बनाया गया था। ये पानी में लगभग 300 से 400 मीटर तक अंदर जा सकती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी लाखों टन लोहे से बनने वाली सबमरीन पर पहले सुरक्षा के लिए केवल चमड़े को लपेटा जाता था। पहली सबमरीन के बनने के बाद से लगभग हर देश में सबमरीन निर्माण तेजी से होने लगा। 1880 तक भाप से बनने वाली सबमरीन बना ली गई थी। उसके बाद अलग अलग फ्यूल्स जैसे गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और बिजली से चलने वाली सबमरीन्स भी बनाई गई। दोस्तों, पहले वर्ल्ड वॉर में सबमरीन का रोल काफी ज्यादा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से लोगों को सबमरीन की ताकत का अंदाजा हो चुका था। लेकिन सबमरीन के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पानी के अंदर जाने के बाद सबमरीन में ऑक्सीजन की कमी से सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग सबमरीन निर्माता कंपनियों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन बनाना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स की ये खासियत थी कि ऑक्सीजन का निर्माण पानी की सहायता से कर सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का एक एटम हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर बना होता है। इस तरह की सबमरीन्स में कई सारे गैजेट जैसे सोनार, नेविगेशन लगे थे। दोस्तों, आज के वक्त में इस तरह की सबमरीन्स ही उपयोग की जाती हैं। लोहे में जंग लगने के कारण अब इन्हें स्टील की मदद से बनाया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन वाली समस्या सुलझाने के बावजूद सबमरीन में काम करने वाले नौसैनिकों के लिए कई सारी समस्याएं बाकी थी, जैसे खाना, रहना और जान का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जान का खतरा। सबमरीन में जाने वाले सैनिकों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। उन्हें दुश्मन के अटैक से ज्यादा सबमरीन में लगी मशीनों से खतरा होता है। दोस्तों, सबमरीन एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कई सारी मशीनों की मदद से चलाया जाता है। इन सारी मशीनों को उसी सबमरीन में ही रखा जाता है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल से हर व्यक्ति पर आधा मीटर जगह बचती है। ये जगह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि वे नहीं जानते कि कब कौन सी मशीन गलत तरह से व्यवहार करने लगे और कोई बड़ा हादसा हो जाए। सबमरीन में तैनात सैनिक महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते, जिस कारण बाहर निकलने के बाद उनके पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है। ये सैनिक लगभग केवल एक गज की जमीन पर ही सोते हैं और इन्हें कुल 18 घंटे तक जागना होता है। दोस्तों, एक साथ सभी सैनिक नहीं सो सकते, इसलिए उन्हें सोने के लिए अलग अलग शिफ्ट दी जाती हैं। इनके सोने के लिए इन्हें बस 6 घंटे का समय दिया जाता है। सबमरीन में गए सैनिकों को चल रहे मिशन और मिशन के खत्म होने के समय की कोई जानकारी नहीं होती। एक बार सबमरीन में सवार होने के बाद उनके जिंदा लौट कर आने की संभावना भी कई गुना घट जाती है। दोस्तों, ऐसे सैनिकों को खाने में सादी दाल और मुख्य तौर पर उबली हुई सब्जियां खिलाई जाती हैं। कई बार खाना खत्म होने पर पैकेट वाला खाना या कैप्सूल खाकर जीवित रहना पड़ता है। सबमरीन में तड़के या छौंक वाली चीज बनाने से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि ऐसी चीजें बनाने पर धुआं उठता है जो कि आग लगा सकता है। दोस्तों, खाने सोने के बाद ही चुनौतियां खत्म नहीं होती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन में रहने वाले सैनिक 3 महीनों में केवल 4 से 5 बार ही नहाते हैं। सबमरीन वैसे तो पानी में ही रहती है, लेकिन हर सैनिक को प्रतिदिन 2 मग पानी प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में सैनिकों को नहाने से पहले
अन्य सैनिकों से सहायता लेकर उनका पानी उधार लेना पड़ता है। दोस्तों, सैनिकों के पहनने वाले कपड़े कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं कि वे 3 से 4 दिन पहनने के बाद फेंके जा सके। दोस्तों, सबमरीन में कुल 40 से 45 सैनिक सवार होते हैं, जिनके लिए सबमरीन में एक ही शौचालय उपलब्ध होता है। इस तरह की समस्याओं का सामना करने के बावजूद नौसेना में होने वाली भर्तियों में कभी कमी नहीं आई। नौ सैनिक तमाम चुनौतियों से लड़कर भी अपने देश के लिए सबमरीन्स में लगातार काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था सबमरीन में सैनिकों का जीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अनसुनी कहानियां के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो कहानियां जो अनसुनी रह जाती हैं, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां।